सूरज जैसे ही आज सुबह सुबह अपने ऑफिस पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसने 2-3 जो पहले लॉटरी खरीदी थी वो आज जीत चुकी थी। ये सुन के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और तभी वो डिसाइड करता है कि मैं अब घूमने के लिए कहीं जाऊंगा। और वो अपने अकाउंटेंट से बात करता है कि तुम मेरे आधे जो लॉटरी के जीते हुए पैसे हैं वो मेरे बेस्ट फ्रेंड राज को दे देना। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, उस अकाउंटेंट ने राज को कभी नहीं देखा था। तभी उसके सामने 3 लोग आ जाते हैं जो अपने आप को राज बता रहे होते हैं। अकाउंटेंट समझ जाता है कि ये लॉटरी के जीते हुए पैसे के चक्कर में कोई 2 बहरूपिया यहाँ पे घुस आए हैं। तो अकाउंटेंट उन तीनों को एक क्वेश्चन पूछता है, तुम सूरज को कब से जानते हो? तो पहला वाला लड़का कहता है कि मैं सूरज को मैं बचपन से जानता हूँ, जब से हम 3rd क्लास में थे। और उसके बाद जो दूसरा वाला आदमी है वो बताता है कि सूरज मुझसे एज से छोटा है और जब से वो पैदा हुआ है तब से मुझे वो जानता है। और उसके बाद अकाउंटेंट तीसरे आदमी से पूछता है, तो तीसरा वाला लड़का बताता है कि मैं सूरज को 3rd क्लास से जानता हूँ, तब से हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है। अकाउंटेंट उन तीनों लोगों की बातें अच्छे से सुनता है और फिर कुछ ही देर में वो समझ जाता है कि इन तीनों में से असल में कौन राज है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हो कि इन तीनों में से असल वाला राज कौन है? आंसर देखने से पहले आपका आंसर हमें कमेंट में बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। इन तीनों में से ये 2 लोग भैरोपिया है और ये वाला जो लड़का है यही असली राज है। लेकिन ये हमें कैसे मालूम चला? अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे जो इसने हाथ में ब्रेसलेट पहना है इसके ऊपर R बना हुआ है। इसे देख के अकाउंटेंट समझ गया कि ये वाला जो लड़का है यही असल में राज है। तो दोस्तों, आपने भी इसका आंसर सही दिया है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और ज़रा मुझे भी पता चले किस लोगों ने सही से आंसर दिया हुआ है। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। रिया एक जंगल में फंस जाती है। वो काफ़ी देर से वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही होती है लेकिन अब वहाँ पे शाम होने वाली है और रात के समय जंगल में बहुत ठंड बढ़ जाती है और सारे जंगली जानवर भी बाहर आ जाते हैं। तो इसके लिए रिया को एक आइडिया आता है। वो कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करती है और उस पर आग जलाने की कोशिश करती है लेकिन लकड़ियाँ थोड़ी सी गीली होती है। इसका मतलब आप लकड़ियों को घिस के उसमें आग नहीं लगा सकते और रिया के पास ना ही कोई लाइटर है और ना ही कोई माचिस है। तो दोस्तों, क्या आप रिया की मदद कर सकते हो उन लकड़ियों में आग लगाने में? और हिंट के लिए मैं आपको बता दूं, आसपास की चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और आग कैसे लगानी है यह आपको आसानी से पता चल जाएगा। आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो रिया को चश्मा लगा हुआ है और चश्मे में जो लेंस है उसकी मदद से रिया सूरज के गर्मी को फोकस करके लकड़ियों के ऊपर डाल सकती है और कुछ इस तरह से रिया वहाँ पर आग जला लेती है। तो दोस्तों, आपने इसका आंसर क्या सोचा था?
अपना आंसर जल्दी से कमेंट में लिख दीजिएगा। और अगर आपका भी आंसर यही था तो एक लाइक तो बनता है, तो जल्दी से हमारे वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। अब अगली वाली इमोजी देखिए और बताइए कि इससे कौन से एनिमल का नाम बन रहा है। आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट करें। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। ये है बन और ये है डर, तो हुआ बंदर। क्या आपने इस पहेली का भी आंसर दिया था? तो अभी इस इमोजी को देख के बताइए कि कौन से एनिमल का नाम बन रहा है। आपका आंसर जल्दी से कमेंट करें। इसका आंसर है ये है हीरा और ये है रन, तो हुआ हिरन। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, यहाँ दो लोग हैं और दोनों ही मुश्किल में फंसे हुए हैं, और जिसमें एक आदमी का अंकल है जो कि वो हैंडीकैप्ड है और इस अंकल का बेटा है। तो क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? अपना आंसर हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। मुझे तो सबसे बड़ा मूर्ख इस अंकल का बेटा लगता है, क्योंकि ये बेटा अंकल को धक्का देने जा रहा है और धक्का देने के लिए ये आगे बढ़ेगा, और इसके आगे बढ़ते ही वो लकड़ी एक साइड हो जाएगी, जिसके कारण लकड़ी और वो दोनों एक साइड में खाई में गिर जाएंगे। वैसे ही आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्या आपको भी यही लगता है कि ये अंकल का बेटा सबसे बड़ा मूर्ख है? जब आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको ये पहेली पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो जरूर शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी ही मजेदार पहेलियां हम इस चैनल पर लाते रहते हैं।